पता नहीं पगलेट आदमी हो। सब भाई लोगन के प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? एकदम पैर छू के सब भैया लोगन के प्रणाम करत हैं। जे भोजपुरी भाषा के बोलेला पूरे विश्व में, हिंदुस्तान के कोना कोना में और हिंदुस्तान के बाहर भी जितने हमारे भाई हैं जो भोजपुरी को बोलते हैं और भोजपुरी को समझते हैं, भोजपुरी को सुनते हैं, सबके हम एकदम दिल से पैर छू के प्रणाम करते हैं। और एक मेरा भाई लिखा है, लव यू भैया, प्रणाम भैया, लव यू टू हमारे भाई लोग, प्रणाम सब भाई लोगन के। भोजपुरिया शेर भैया, अरे शेर देखिए, ओरिजिनल शेर तो आप लोग हैं भैया, आप हैं तो हम हैं और आप ही सब कुछ बनाते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या हूँ, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद हैं बस। और शेर ओरिजिनल शेर आप लोग हैं, आप लोग ही पवन को पवन बनाए हैं, नहीं तो पवन जैसे बहुत लोग हैं घूमने वाले। तो हम तो आप लोगों को भैया भगवान मानता हूँ, जब तक इस शरीर में सांस रही तब तक हम आप लोगों के भगवान ही मानब, क्योंकि आप ही आप हैं, आप लोग हैं तो हम हैं। एक ठो क्या है कि आजकल देखिए डिजिटल जमाना हो गया है, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है ब्रदर, ये अक्षरा जी हमको थोड़ा बहुत सिखा दी हैं। तो यह अच्छी और मेरे लिए खुशी की बात है कि हम लाइव भी आने लगे आजकल, अपने भाइयों से बात करने लगे। अरे भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, नमस्ते भैया, लव यू टू मेरा भाई, लव यू टू भाई लोग। तो मैं ये बोल रहा था कि डिजिटल जमाना आ गई बात, तो मान लीजिए कि आदमी कभी ना कभी सुन लेता है या देख लेता है, तो कुछ बातें कान में सुनाई देती हैं ब्रदर, तो ठीक नहीं लगता है। हम तो इन सब चीज़ों के चक्कर में रहते भी नहीं हैं और कभी जीवन में रहना भी नहीं है। छोटा सा एक तो रिक्वेस्ट बाकी, अगर किसी के मन में आता है, देखिए भोजपुरी के लिए कलाकार के लिए श्रोता ही भगवान होता है, क्योंकि श्रोता ही बनाता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी स्टार हो। तो एक स्टार के मन में आए, स्टार होता क्या है ये हमको नहीं समझ में आता है भैया, मैं बस जो लगता है नाम के पीछे। तो कभी हमारे मुंह से आप ही ना सुन लो कब कि हयारा जिला के हमें, तो छपरा जिला के हमें, तो बलिया जिला के हमें, तो सीवान जिला के हमें, तो मतलब यहाँ के हो के वहाँ का हो के यहाँ का, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। हम तो बस आप लोगों से प्यार करते हैं और भोजपुरी समझे वाला लोग जहाँ के भी बात, जहाँ भी भैया लोग हमारे पास भोजपुरी भाषा के सुनने वाला, समझे वाला, बोले वाला, वो मेरे लिए भगवान है। तो और मन में ये भी कभी नहीं आता है कि किसी की बेइज्जती हो या अपमान हो, ये ऐसा हमने कभी नहीं सोचा है, ना कभी सोचूंगा। लेकिन एक ये जो है, नए हमारे कुछ भाई लोग हैं जो जिन लोगों को पता नहीं क्या क्या मैटर मिल गया है, ये अक्षरा सिंह, पवन सिंह, तो ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये शोभा नहीं देता है जो हमारे भाई कर रहे हैं, जो भाई लोग कर रहे हैं। उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सबके परिवार होला और हर किसी का एक इज्जत होता है, मान सम्मान होता है, तो प्लीज कोई भी काम को पहले इधर देख लीजिए, अपने पे भी कर लेना चाहिए कि हाँ ये उचित है क्या। मेहनत करिए और मेहनत करके नाम कमाइए और दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा स्टार बनिए आप लोग भाई हमारे, जहाँ भी आदमी शो करता है तो जगह मायने नहीं रखता है, बस यही समझ में आता है कि हाँ बस हमारे भाई लोग भोजपुरी यहाँ बोले वाला बा, भोजपुरी के सुने वाला बा, भोजपुरी के समझे वाला बा। मैंने ये कभी नहीं देखा है कि हम आरा जिला में बनी, कि छपरा जिला में बनी, कि सीवान जिला में, नहीं, ये मन में ना कभी था, ना कभी ना है, ना कभी हो सकता है। हमारे लिए भोजपुरी समझने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले जहाँ कहीं की भी हैं, जहाँ भी बा लोग, हमारे भाई लोग, सबके हम भगवान मानीला और भगवान ही मानते रहे। और हम लोगों में आपस में प्रेम होनी चाहिए। देखिए अभी फाइट के सीन चला था, हमारे फिल्म के शूटिंग चला था भदोही में, भैया जो ने फिल्म के नाम है
सैया सुपरस्टार, इस फिल्म में हम हैं और हमारे अपोजिट हीरोइन अक्षरा जी हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तो बहुत अच्छे तरीके से फिल्म के शूट होता। बिट्टू ओझा जी भैया, सिंगर नेहा वाराणसी, हेलो भैया, अरे बहन, एक भाई है हमारा हेमंत सिंह जी ओ से, अरे भैया सबके प्रणाम भैया, एक ही साथ ही सबके प्रणाम करत हनी, सबके प्रणाम करत हनी। देख रहे हैं ये अक्षरा जी हैं, तो लीजिए बात करिए। मुझे ज्यादा कुछ तो नॉलेज नहीं है, पर जितना भी थोड़ा मोड़ा जो भी वीडियोस देखती हूँ, जो भी गंदे गंदे गाने गाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के घर में भी बहन बेटी माँ, एक लड़की से ही आप लोगों ने जन्म लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से बदनाम और उनको रोड पे ना लाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात एक कलाकार होने की, तो कलाकार किसी एक जात का नहीं होता है, कलाकार के लिए सारे जात बराबर हैं, कलाकार का कोई जात ही नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, और हम जिस जगह पे भी जाते हैं वो जगह हमारा है, हम लोग ये सोच के जाते हैं। जब भी हम लोग किसी शो के लिए गए हैं तो हमने ये नहीं सोचा कि अरे हम पटना के हैं तो पटना मेरा है, आरा गए तो भाई आरा नहीं है तो हम गए पैसा लिए शो करके आ गए, ऐसा कभी नहीं सोच आया है मन में, ना आएगा कभी। तो मुझे बस इतना कहना है आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरीके से प्लीज किसी भी लड़की को, मुझे नहीं, मुझे आप लोग कर रहे हैं चलिए ठीक है वो अलग की बात है, बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि समाज को घिनाइए मत और किसी लड़की को बदनाम मत करिए, बस इतनी ही विनती है और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। मुझे भी बहुत सारा कॉल आया, भैया 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 भैया, मैं मेरा एक ही जवाब रहा कि बाबू जाने दीजिए, अगर उन लोगों को यही करके खुशी मिल रही है और आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, चलिए ठीक है। अगर पवन का नाम बदनाम करके, अक्षरा जी का नाम बदनाम करके कोई आगे बढ़ता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान करे बहुत बड़े स्टार बन जाए। बस ये शूटिंग से बानी थोड़ा थक गई बानी भाई, माफ करिए जा, सो में जाता नहीं, और महाराज जी का दर्शन भी आज करने को मिलेगा जी, हमारे यहाँ यज्ञ भी हो रहा बा 4 अक्टूबर के आरा से बगले गांव चनवा में, और ये हमारे देखिए ये पूर्वांचल के आन बान शान हमारे बड़े भैया पवन पांडे जी हैं, बहुत मानते हैं मुझे, और ये हमारे स्वामी जी आगे बैठे हैं। जय श्रीमन नारायण। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, उस समाज और उस भाषा को बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और किसी कलाकार को बदनाम करके जो आगे उठ रहा है उसके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए। थैंक यू। मैं तो बहुत पहले से बोलते आया हूँ कि मेरा नाम लेके और हमारा कोई चीज अगर थोड़ा नीचे भी आ जाता है और वो सामने वाला भाई आगे बढ़ जाएगा, तो मैं तो भाइयों के लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जे जहाँ बा बहुत खुश रहे, बहुत बड़ा स्टार बने और बहुत आगे बढ़े, लेकिन मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन एक लड़की की इज्जत करे के चाहिए, वो चाहे हम हों, चाहे आप लोग हैं, चाहे केहू भी भाई बा, अगर मुँह से कुछ गलत निकल गई होके तो भाई आप लोगों से हम माफ़ी चाहता नहीं, और क्या बात है हमारे भाई लोग, जय जय श्री राम, जय श्री राम, वाह जय श्री राम, हमारे भाई लोग इतना मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे देखने वाले और मुझे सुनने वाले भगवान हैं। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, आप लोगों का आशीर्वाद हूं। तो बस जाई बाज महाराज जी के दर्शन हुई, और एक ठो सो बासो करके फिर सवेरे 7 बजे की शिफ्ट बा शूटिंग करो फिल्म के। ये अक्षरा जी एक बात और आप लोगों से बोलेंगे। हाँ, एक और बात मेरे मन में आया कि जिसको आगे बढ़ना है, जिनको भी, चाहे वो बहुत बड़े सुपरस्टार हो
इंडस्ट्री के जो खुद से सुपरस्टार बोलते हैं, या एक छोटे से कलाकार हूँ जो नया नया एल्बम गा के इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हूँ, उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक लड़की को क्यों जरिया बनाते हैं आप लोग सीढ़ी चढ़ने का अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए? क्यों आप मेरा नाम लेके या किसी और का नाम लेके आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है क्या कि आप लोग खुद के बदौलत आगे बढ़ सकें? अपने टैलेंट के जरिए आगे बढ़ो यार आप लोग, प्लीज। ये एक बार हमको एक लड़का फोन किया, मैं जानता भी नहीं था वो, उसका ये नाम है उसका संदीप तिवारी। मैंने मेरे घर में एक लड़का आया, बोला कि भैया इसको किसी ने कुछ बोला है तो आपसे बात करना चाहता है। तो मैं एक भाईचारा के नाते मैं फोन लिया, मैंने बात करा, हाँ भैया ऐसी ऐसी बात है। मैंने सबसे पहले बोला कि बाबू मेरे बात को रिकॉर्ड मत करना। इसके बाद मैं बोला कि माई बाप के सेवा कर, अच्छाई के साथ हम जहाँ पे हैं वहाँ सिर्फ हम ही नहीं हैं, बहुत लोग हैं, और वहाँ पे जो भी हैं सिर्फ वही नहीं हैं, बहुत लोग हैं। किसी एक के लिए कोई शहर नहीं होता है। आज मुंबई में हमनी के आप लोगों के आशीर्वाद से मुंबई आदमी पहुँच के फिल्मी दुनिया में काम करा था, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद पहुँचाया है ना भैया। तो मैंने उस भाई से बोला कि भाई अच्छाई का साथ दो, माता पिता का सेवा करो, एक भाई है तुम्हारे लिए बॉम्बे में। अब बताई एक समय में वो केहू और के शुभचिंतक बना, एक समय में मेरा शुभचिंतक बन गया, और दोनों का रिकॉर्ड करके आप नेट पे डाल दिया। बताइए ये कोई नाम कमाने का कोई तरीका है? काम ऐसा करिए, मेहनत करिए, स्टार बनिए और लंबे रेस का घोड़ा बनिए। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ हासिल होगा। चलिए कोई बात नहीं, जे जहाँ बा हमार भाई लोग, बहुत खुश रहिए आप लोग, मस्त रहिए एकदम, अपना से बढ़ के इज्जत करी जा, माई बाप के सेवा करी जा। हम तो यही कहत आइल बनी और यही कहते जिंदगी का अंत होगा। जो भी गलत निकला हो मुँह से भाई, माफी चाहता नहीं आप लोगों से। अगर अच्छा लागल होके तो भाई के आशीर्वाद दी जा और आशीर्वाद बनौले रह जा। ठीक भैया, फिर मिलेंगे, भूल चूक माफ, बाय।